दमोह जिले के करीबी जिले पन्ना में एक वयस्क युवा टाइगर की पेड़ के फंदे में फंस जाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। संभवतः देश की यह पहली घटना होगी जब एक टाइगर फंदे में फंस जाने के बाद काल कल्वित हो गया हो। इस संदिग्ध मामले की वन विभाग बारीकी से जांच करने में जुटा हुआ है। वहीं एसटीएफ टाइगर टीम एवं बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं वन अमले में हड़कंप के हालात भी हैं। मालूम हो कि पन्ना में 2009 में बाघ पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। बाघों की दुनिया को पुनः आबाद करने टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम चलाया गया और दुनिया का सफल टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम यह रहा और बाघों की संख्या बढ़कर 70 से अधिक हो गई। पर अब बाघ मरने लगे हैं। पन्ना में एक युवा टाइगर की फंदे में फंस जाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर वनमंडल के पन्ना रेंज अंतर्गत बिक्रमपुर की तिलगवा वीट में यह फंदा लगने से हुई मौत के बाद बिक्रमपुर नर्सरी के पास शव मिलने से हड़कंप है। देश की यह पहली घटना कही जा रही है। वहीं एक दो वर्ष के नर टाइगर की मौत बेहद चिंता का विषय भी है। मामला शिकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस कारण से वन विभाग भी गंभीर है और इसकी मौत पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आखिर टाइगर की कैसे मौत हुई, इसको लेकर के लगातार जांच जारी है। एशियन न्यूज़ के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पे देर रात में एक शेर के मृत्यु की खबर मिली थी और सुबह देखने पे उसमें फंदा लगा हुआ मिला है। तो अभी डॉग स्क्वाड सतना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है। आगे फिर जो जांच में आएगा वो। ये पेड़ से लटका मिला है, फांसी लगी थी, आश्चर्यजनक घटना, ये अभी जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम के बाद इस पे हम कुछ कह पाएंगे। एसटीएफ की टीम भी आ रही है? एसटीएफ की टीम आ चुकी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? निश्चित रूप से फंदा लगा है। संभावना है कि किसी दूसरे जानवर के लिए गांव वालों ने कहीं फंदा लगाया हो और वो उसमें ये शेर फंस गया है। कौन सा शेर है, कहाँ से कुछ पता चला? नहीं, अभी ये जाँच का विषय है। अभी हमने इसके फोटो लेंगे और पन्ना की जो डाटा बेस है उससे हम कंपेयर करेंगे, तब हमें जानकारी। हेल्दी नरवाघ है पता? हेल्दी नरवाघ है सर। कौन से बीट का मामला है, कहां पर घटना हुई है? ये तिलगवा बीट है, उत्तर पन्ना वनमंडल का, अक्षरमांग 460। टाइगर की मरना एक बड़ी घटना है, कितना गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं, आप तो गंभीरता देख रहे हैं कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स आई है, सतना से डॉग स्क्वाड आया, पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम आई है और अभी डॉग स्क्वाड अपना काम कर रहा है और जल्दी ही हम इसमें रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर कोई संदेह इसमें है क्या कुछ? ये जांच का ये विषय है। निश्चित रूप से फंदा है तो इसमें कहीं ना कहीं शिकार किसी अन्य जानवर के लिए फंदा लगाया जाना प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम के बाद हम सही स्थिति आपको बताएंगे। निश्चित होगी टाइगर की? इसकी 2 साल के लगभग होगी। निश्चित ही लोग दुखी हैं कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई। विभाग भी निश्चित रूप से दुखी है। विभाग कभी नहीं चाहता कि इन वन प्राणियों की किसी प्रकार की शिकार हो और इससे हम और अब इस घटना से सबक लेके हम और गश्ती बढ़ाएंगे। क्या निर्देश और क्या आम लोगों से अपील? आम लोगों से यही अपील है कि वनों की सुरक्षा करें और वन प्राणियों की सुरक्षा में सहयोग करें। अपने इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम समितियों को मजबूत करेंगे, इनसे और बातचीत करेंगे और आपके माध्यम से मैं सभी को ये जानकारी लेना चाहता हूँ। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो, किसी गांव वाले को, तो हमें गोपनीय रूप से खबर करें, उनका नाम गुप्त रखते हुए हम इसमें कार्रवाई करके अपराधियों तक पहुंचना चाहेंगे। अधीनस्थ स्टाफ को क्या आदेश दे रहे हैं? इस घटना की पोस्टमार्टम के बाद हम इनसी की बैठक लेके इनको हम अलग से निर्देश देंगे। सर आप एक बार नाम बता दें अगर। मैं संजीव झा हूँ।